अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाए सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यह है परमुटेशन का फॉर्मूला, एन पी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर्स बिलो इट। मतलब ये कि जो फैक्टोरियल है जिस इंटीजर के पीछे लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इस इंटीजर का और उसके नीचे जितने भी इंटीजर्स हैं 1 तक, उन सब के प्रोडक्ट को ही बोलते हैं उस इंटीजर के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। नाउ इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल है, उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे भी जो लिखा है इसे भी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर ब्रेकेट आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। देन यहाँ पे जो है हमने उसी तरह से लिख दिया है इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, इस ब्रेकेट को हमने ओपन किया है तो ये क्या हो गया, आर प्लस 1 ब्रेकेट होल फैक्टोरियल। अब जब हम उसी को आगे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी 5 फैक्टोरियल है और यहाँ भी 5 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6, और यहाँ पे 6 प्लस 1 है तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल वैसे लिख दिए एंड इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिल गया। नाउ ये जो 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस आर, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 माइनस आर, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल। और ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 7 माइनस आर का होल फैक्टोरियल दिया है, इसीलिए हम इसे इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल लेफ्ट साइड भी है और 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल राइट साइड भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये जो हम यहाँ पर है हमने इसे लेफ्ट साइड भेज दिया तो ये मिला हमें 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब हम देख सकते हैं कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि जो आर है उसकी दो वैल्यू मिलेगी, एक आर इज इक्वल टू 3 और दूसरा आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर इज इक्वल टू 10 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप परमुटेशन पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि जो एन पी आर होता है ना, यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है, सॉरी जो आर की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होती है एन से। सो क्वेश्चन में जो हमें एन की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, 5 पी आर दिया गया है और इजकल टू 2 6 पी आर माइनस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एन है, एन की वैल्यू क्या है, एक एन की वैल्यू 5 है और दूसरी वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पर जो भी एन की वैल्यू होगी उस एन की वैल्यू से आर की जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर का जो वैल्यू 10 है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एन से 10 बड़ा हो जाएगा, जो वैल्यू 10 की एन की है उससे 10 बड़ा हो जाएगा,
इसीलिए ये आर की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन एन होती है। इसीलिए जो आर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो भी सॉल्व होगा। तो आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व कीजिए और आर की जो वैल्यू है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपसे वो सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाए तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो भी आप बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक जुड़े रहे सुनीता देवी एकेडमी के साथ, और क्वेश्चन समझ में आया हो, उसका सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सुनीता देवी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।